तो हे गाइस, कैसे सब? ओके बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहो। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हो तो अच्छे होंगे। बहुत दिन हम ब्लॉग नहीं बना रहे। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन लोगों को तो मालूम होगा कि मैं इसकी ब्लॉग नहीं बना रहा। हाँ तो खैर चलो मैं फिर भी बता देता हूँ कि रिसेंटली मेरा मॉम डेथ हो चुका है ड्यू टू प्रेशर स्ट्रोक। तो उसका ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी 1 month ऐसा हो चुका है, 1 month 20 days ऐसा हो गया। तो और आज अल्फा फिटनेस का 2nd day है। तो इधर मैं जाऊंगा मेरे भैया का साथ। तो चलो इसके लिए और बाकी मैं क्यों नहीं था क्या नहीं था सब अलग वीडियो तो बताऊंगा। तो और वीडियो तो मैं बना चुका हूँ और इंट्रो शूट करना मैं भूल गया था। तो इंट्रो को अभी शूट कर रहा हूँ। तो हाथ दर्द करता है तो आप लोग इंजॉय करो वीडियो। तो अभी हम डिकी हॉल में हैं, डिकी हॉल का बाहर में कैसा है और अभी अंदर जाएगा। और अभी शुरू तो नहीं हुआ है, शुरू होते होते आई थिंक हम चला भी जाएगा बिकॉज मेरा सारा बाहर में काम है गंगा में। तो ब्लॉग कोई नहीं, हम सकेगा तो थोड़ा बैठेगा थोड़ा टाइम बैठ के आराम से जाएगा। बट 1-2 तक तो दिखाएगा हम आप लोगों को। तो एंजॉय करो ब्लॉग को। बहुत दिन ब्लॉग नहीं किया तो उसके लिए अलग से नर्वस है। अभी आगे मिलो, बाय।
is Mr. Tami Tanyang GK. This Handicap Welfare Society. Welcome, sir. So guys, here are the humans. Ooh, look at that skin. Yes, it's a bit inappropriate, but oh hey. Okay, number one here, Mr. Toku Abraham. You see guys, this makes me nervous. Four is Mr. Atam Sonam Tajo. Okay, nine, I don't have his number, but Mr. He-Man number 9! Cheers, guys! Oh! Number 18. Number 14, my love. Something to consider.
को देता है, उसका जगह हम चर्च भेजिए ना, मंदिर भेजिए ना। अच्छा चीज सिखाइए, स्कूल ले जाइए, दिखा खुद जाके छोड़िए छोटा बच्चा को, बस में क्या रखा है। टाइम देख लिया, अपना माँ का भी ड्यूटी होता है, पिताजी की ड्यूटी है, बोलता है कि मेरा बेटा बिगाड़ गया, वो हो गया। आपने पेरेंट्स की ड्यूटी भी देखी है ना, बुरा मत मानिए। दो शादी करने वाला, तीन शादी करने वाला बाप निकलता है। देखिए दो तीन शादी करने वाला क्या होता है, बेचारा बच्चा बीच में फंस जाता है, किस 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 का किसका किसका सहारा लेगा। एक एक पिताजी का पास जाने से वो ठीक से ढंग से उसको सिखाता नहीं, और माँ का पास जाने ठीक से ढंग से सिखाता नहीं, तो बेटा तो तीसरा जो 30% जो बुरा इंसान उसी का पास जाके उसका शिक्षा लेगा ना। तो आज हम एक रिकवरिंग एडिक्ट है, ड्रग्स छोड़ के आज हम जो कि विनर जिम में ज्वाइन करके अभी मेरा एक साल गुजर गया उधर पे। तो आज हम भी ये फिटनेस का प्रोग्राम इसलिए देखने आए कि मेरा भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी कर रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आज ड्रग्स छोड़ के हमारा खुद एक एग्जाम्पल है कि बिना ड्रग्स का भी जिंदगी बहुत सुंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अभी बोलते घर ये सामान बेच देता है, ये बेच देता है, वो क्यों बेचता है वो भी हम बता देंगे आपको, वो मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए एडिक्शन जो है ना, एडिक्शन वाला आदमी खराब नहीं होता है, जो नशा करता है ना वो आदमी खराब नहीं होता है, उसका दिल में भी जब घर से पैसा चोर करता है ना तब समझ में आता है कि ये पैसा जब उठाएगा ना मेरे पिताजी माँ को तकलीफ होगा, वो पता चलता है। क्यों लेता है पता है, उसको क्रेविंग आता है, विड्रॉल होता है, उस कारण होता है। विड्रॉल जब होता है ना तब ना, जब क्रेविंग आता है, जिसको बहुत तलब आता है, जब क्रेविंग आता है ना तब क्या होता है, पागलपन तक पहुंच जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। एक हल्का सा आवाज़ तो निकलता है, देखो ये गलत काम कर रहा है, लेकिन बड़ा और आवाज़ निकलता है, कुछ नहीं ले लो, तेरा विड्रॉल गायब हो जाएगा। मन से एक सच्ची बात तो निकलता है हम लोग अभी, तो ज़्यादा टाइम लेने से ये शायद आपका ये बॉडी बिल्डिंग जो कर रहा है वो ठंडा हो जाएगा। तो आपको यही बोलेगा कि अवेयरनेस कीजिए, इसके सिंपल फंडा है कि इसको कम करने के लिए अवेयरनेस, इसको पुलिस भी खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्यों खत्म नहीं कर पाएगा, देखिए बोलने से एक बात है कि हर आदमी के दिमाग में लालच होता है पैसा बनाना। कोई कि आलसी इंसान क्या होता है कि एक दो दिन का अंदर में 3-4 करोड़ कमाने का सोचता है, वो किस तरह बेटे बेटे ड्रग्स बेच के करने का कोशिश करता है, क्योंकि गलत है। और हमेशा याद रखिए कि गलत काम से पैसा आप कमाएगा वो टिकेगा नहीं, कभी पुलिस पकड़ेगा, उसको खर्चा पूरा उसके आपको डूब जाएगा। तो सही से काम कीजिए, और माता पिताजी को बोलेगा अपने बच्चा को सही शिक्षा दीजिए, वही अवेयरनेस से बियर सिगरेट बेचने से अच्छा 30 पास में आप, जरूरी नहीं है कि आपका घर में बियर होना है, एल्कोहल चलना है, उसका बिना भी बहुत अच्छा जिंदगी 30 पास में अपने पेरेंट्स के साथ बैठे अच्छा से इंजॉय कीजिए। और यूथ लोग भी बोल रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट कीजिए, ये नहीं कि पेरेंट्स भी गलत है उसको जगह में लड़का और यूथ लोग भी गलत है, वो कि मानता नहीं उनका बात। तो आप स्टार्टिंग कीजिए, जितना भी यहाँ पे अपना छोटा बच्चा को सही शिक्षा दीजिए, चर्च भेजिए, मंदिर भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए अच्छे से। थैंक यू। The pole position goes to dot number 21, Mr. Tani Kassar. His coffee pole position he has today. Now, the third position. Can we have a guess? Bahubali. Now, the third position goes to dog number 3, Mr. Daimalu Brahma. Mr. Daimalu Brahma. He is the second positioner in the man's prison. I'm gonna go to the
The second position goes to, any guesses? Second position goes to dog number 20, Mr. Bunty Roy. So we have a winner, that is Subhashish Patra. Subhashish Patra is the winner of the Dance Music of Album Singles Competition. Dog number 21, sorry, dog number 15, Mr. Subhashish Patra. Dog number 20, Mr. Bunty Roy. The second positioner. Dog number 15, Mr. Subhashish Patra is the winner. अल्फा फिटनेस का जो आज सेकेंड डे था, आज उनका प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो मुझे तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। और ये फर्स्ट टाइम था उन लोगों का, तो उन लोगों से जितना हो सका उतना किया। नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा वो लोग ट्राई करना करने को। तो आप लोग भी प्लीज सपोर्ट करना, सपोर्ट करो। मेरा भैया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे भी इंस्टा पे फॉलो करना। एंड देख लिया वीडियो आप लोगों ने, तो कैसा लगा कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को प्लीज। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, थोड़ा तो अच्छा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। और अगर मैं कुछ बोलने वाले में गलती कर देता हूँ तो मुझे माफ कर देना, बिकॉज बहुत दिनों ब्लॉग नहीं बनना, अलग से फीलिंग आ रही है। और अभी रात का टाइम हो रहा है, 11 बजे तक तब इंटर शूट कर रहा है, और ये ब्लॉग मुझे कल अपलोड करना है फटाफट। तो कल मुझे स्कूल भी जाना है फिर, तो इसलिए मैं फटाफट आ जाकर एडिट करके अपलोड कर दूँगा। अभी एडिट टाइम हो रहा है 10:50। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स पर, बाय।